उधर मिर्जापुर में गंगा स्नान के दौरान तीन बच्चों के डूबने से मातम छा गया है। तीन बच्चों में दो बच्चों के शव बरामद भी कर लिए गए, जबकि एक बच्चे के शव की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और गोताखोरों ने बच्चों के शव निकालने के लिए गंगा में जाल बिछाया है, जिसमें दो बच्चे के शव मिल गए हैं। वहीं तीसरे बच्चे का शव अभी तक नहीं मिला है। हम आपको बता दें कि गंगा में स्नान के लिए जावेद की दो बहनें और बच्चे गए थे। स्नान के दौरान ही अपने तीन साल के बच्चे को नहलाते समय वो हाथ से छूट गया, जिसको बचाने के लिए परिवार की दो बेटियां जुबैदा और परमिन पानी में कूद गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई। बच्चों के काफी देर तक घर लौटने के बाद परिजनों ने जब उनकी तलाश शुरू की, जब वो नहीं लौटे तो घर वालों को परमिन का शव मिला और इसके बाद जुबैदा का भी शव खोज के दौरान पानी से बाहर निकाला गया। वो बोल रहा था, उसको हमने बचाए। उसके बाद हेर रहे थे इधर रहे तो उस पर नहीं कहीं मिला, फिर पानी में ढूंढने लगे। घर पे भी भेजे पता करने के लिए, जाओ देखो वो घर पे गए हैं क्या, तो घर पे भी नहीं थे। तो फिर पानी में इधर ढूंढे तो इधर पानी में मिला हुआ, पहले परवीन का लाश मिला, उसके बाद जुबैदा का मिला। ये तीनों बच्चे नहा रहे थे, नहाने में जो है डूब गए। ये खुद नदी में नहाने आए थे और ये दैवीय आपदा के अंतर्गत नहीं है। तरीमा सर इनको कोई मुआवजा दे नहीं, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोग शासन को लिखा जाएगा और जो कुछ आएगा तो उचित मुआवजा क्या सभी